कि फरतुल्ला बेग की पैदाइश कौन सी जगह हुई थी, कौन सी बस्ती में हुई थी? दिल्ली के मोहल्ला चूड़ीवालान। वेरी गुड, ताली बजाइए सब लोग जी। दिल्ली के मोहल्ला चूड़ीवालान में हुई। आज हम लोग दीन की मजलिस की जगह पर आज जो है आपके निसाबी सवाल जवाब का सेशन शुरू करेंगे, और हम दाएं तरफ से सवाल जवाब का सेशन शुरू करेंगे कहकशां से। कहकशां जो आपकी किताब है निसाब में 12th क्लास में पढ़ना है, उससे मुतालिक आप लोगों का सवाल जवाब होगा। तो हम दाएं तरफ से फरीन, तराना और है आफरीन, इधर है नाजिया, इधर है सिमरन, और उधर देखिए खुशनुमा रियाज, और वो हैं उधर नसीमा, और उधर हैं अलीशा। ये इतने बच्चों से हम सवाल जवाब करेंगे आज के दिन। तो आप लोगों को बेधड़क जवाब देना है जो आप लोगों ने पढ़ा है। उर्दू का एक रिवीजन भी हो जाएगा, एक छोटा सा आपका एक वीडियो की शक्ल में एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जब कभी भूल गए एक बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको फिर से रिमाइंड हो जाएगा कि वो ये सब इसे मामला है। तो आप कभी भी सब बातों को नहीं भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं फरहीन से, आपके पास माइक है फरहीन। सबसे पहला जवाब सवाल आपसे होगा कि बताइए खाका निगारी क्या है। कोई पूछेगा आपसे खाका क्या है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? खाका उर्दू के हिस्सा नसर का एक अहम सिंफ है जिसमें किसी शख्स की दिलचस्प कहानी को पेश किया जाता है। वेरी गुड। किसी शख्स की तस्वीरी तहरीर या किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर पेश की जाती है, ये ना था? और उसकी जिंदगी में कोई दिलचस्प बात आई हो उस बात को भी इसके अंदर पेश कर दिया गया। तो इसको हम, और इससे जो लोग खाका पढ़ने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, उसको बहुत सारा सबक मिलता है, उसको खाका कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए सब लोग जी। पहला सवाल का जवाब आज का शुरू हुआ। अगला सवाल आपसे होगा तराना, बताइए कि उर्दू में सबसे पहले खाका निगारी की शुरुआत किसने की थी? फरतुल्ला बेग। फरतुल्ला बेग ने। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, फरतुल्ला बेग ने। घबराइए मत, एकदम आराम से जवाब दीजिए। अगला सवाल आपसे है, माइक ले लीजिए, कि उर्दू में फरतुल्ला बेग ने सबसे पहला खाका कौन सा लिखा था, उसका नाम बताइए। नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जवानी। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए सब लोग। चलिए अगला नाजिया से सवाल जवाब होगा, बताइए नाजिया फरतुल्ला बेग ने सबसे पहला खाका किन के नाम लिखा था? अपने उस्ताद नजीर अहमद के ऊपर। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, अपने उस्ताद नजीर अहमद के नाम पर। नजीर अहमद, नजीर अहमद का ताल्लुक उर्दू के किस सिंफ से है? नॉवेल से। नॉवेल निगारी से, बिल्कुल सही जवाब, नॉवेल निगारी से। आप बताइए खुशनुमा रियाज, बताइए नजीर अहमद के सबसे पहले नॉवेल का नाम क्या है? मिरातुल उरूस। बिल्कुल सही जवाब, मिरातुल उरूस, बहुत अच्छा। अगला सवाल जवाब पीछे जाएगा रोमे नसीमा सुल्ताना के पास, बताइए नसीमा कि नजीर अहमद से पढ़ने के लिए जब जाते थे तो उनके साथ नजीर फरतुल्ला बेग के साथ कौन से दोस्त जाते थे? मियादानी। बिल्कुल सही जवाब, अगला सवाल उनसे हो, बताइए फरतुल्ला बेग और मियादानी के साथ एक दिन नजीर अहमद से पढ़ने के लिए एक और साथी आए थे फरतुल्ला बेग के, उनका नाम क्या था? मिस्टर रजा। बिल्कुल सही जवाब, मिस्टर रजा। पहला राउंड हम लोगों का समाप्त हुआ, सवाल जवाब का पहला राउंड आप लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। अब आप लोगों से सवाल जवाब का दूसरा राउंड शुरू करते हैं जिसमें फरतुल्ला बेग की जिंदगी से मुतालिक कुछ सवाल आपसे हम करेंगे। तो सबसे पहला सवाल फरीन आपसे है, बताइए कि फरतुल्ला बेग के जद्द अमजद में वो कौन से शख्स थे जो अपने वतन को तर्क करके हिंदुस्तान आए और फौज में मुलाजमत अख्तियार किया? मिर्ज़ा अफजल बेग बदख्शां। वेरी गुड, ताली बजाइए सब लोग जी। अगला सवाल आपसे है तराना, बताना है आपको कि मिर्ज़ा अफजल बेग बदख्शां जब हिंदुस्तान आए थे तो उस समय हिंदुस्तान में किनका शासन चल रहा था, किसका उन समय हुकूमत चल रही थी उनकी, बताइए। शाह आलम सानी का। ठीक है, शाह आलम सानी की, ताली बजाइए सब लोग जी। अगला क्वेश्चन है आपसे, बताइए फरतुल्ला बेग के दादा का नाम क्या था? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल होगा कि बताना है आपको मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग के खानदान वाले कौन से इनकलाब से मुतासिर होकर के दिल्ली से हैदराबाद का रुख किया था? 1857 के इनकलाब। वेरी गुड, ताली बजाइए सब लोग जी। 1857 के इनकलाब से मुतासिर होकर के दिल्ली से हैदराबाद मुंतकिल हो गए थे। अगला सवाल आपसे होगा सिमरन, सिमरन आपसे सवाल है, बताइए आपसे सवाल कि फरतुल्ला बेग की पैदाइश लोगों के मुताबिक कब है, सन पैदाइश उनका बताना है आपको।
सितंबर 1883। वेरी गुड, ताली बजाइए सब लोग। सितंबर 1883 में फरतुल्ला बेग की पैदाइश हुई, लोगों ने यही बताया है। अगला सवाल खुशनुमा रियाज से है, बताइए फरतुल्ला बेग की पैदाइश खुद उनके मुताबिक कब हुई, वो कब बोलते हैं कि मेरी पैदाइश कितने तारीख को हुई है, डेट बताना आपको, सन बताना है, बताइए। अगस्त 1885। बिल्कुल सही जवाब, अगस्त 1885 में फरतुल्ला बेग के मुताबिक पैदाइश हुई है। अगला जवाब, अगला सवाल जवाब होगा नसीमा से, बताना है फरतुल्ला बेग, आपको बताना है कि फरतुल्ला बेग के वालिद साहब का नाम क्या था। मिर्जा हसमतुल्ला बेग। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए सब लोग। अगला सवाल आप लोगों से होगा अलीशा, बताना है आपको कि फरतुल्ला बेग की पैदाइश कौन सी जगह हुई थी, कौन सी बस्ती में हुई थी। दिल्ली के मोहल्ला चूड़ी वालान। वेरी गुड, ताली बजाइए सब लोग जी, दिल्ली के मोहल्ला चूड़ी वालान में हुई थी। तो आज का सेशन हम लोगों का यहाँ पर समाप्त होता है, अब बहुत अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिया और आपका उर्दू का जो है प्रैक्टिस भी हो गया इसी बहाने, और आपके पास कुछ जानकारी भी प्रैक्टिस के तौर पर आपके पास पहुंची, और घर में जब भी आप अगर मान लेते हैं मन उकताया तो इस तरह का ये वीडियो देख करके अपने रिवीजन फिर से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।